जुलमी तख्त सी, जिस तख्त तो इस लुकाई ते जबर और जुलम दे फुरमान जारी होंदे सन। ओ फुरमान केड़े सन के दुनिया दे विच हिंदुस्तान विच रहन वाला हिंदू अपने सिर उत्ते कलगी नहीं ला सकदा, उच्चे थां ते उच्चे तख्त ते नहीं बैठ सकदा, उच्चियां पदवियां नहीं ले सकदा, और बल्कि हिंदुओं नू इतनी वड्डी गुलामी दा एहसास इस तख्त तो करवाया गया कि हिंदू किसी भी धात दे बने बर्तन विच अन्न अते जल नहीं पान कर सकदा, वो मिट्टी दे बर्तना दा इस्तेमाल कर सकदा, और हिंदू घोड़ सवारी नहीं कर सकदा, हिंदू शस्त्र नहीं रख सकदा, और जिथे भी हिंदू और हिंदू धर्म दे न्यायी मिल उन्हां ते जबरन अत्याचार करके उन्हां नू अपने धर्म की ईन मना के मुसलमान बनाया जाए। ये बड़े वड्डे अत्याचार हो रहे सन जदों मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी की शहादत तो बाद श्री अकाल तख्त साहब जी की सिरजना की, जो दिल्ली के तख्त नालों उच्चा और दिल्ली के तख्त नालों महान, बल्कि मैं तो यह कहांगा कि जिस अकाल दे तख्त की दुनिया विच कोई भी तख्त बराबरता नहीं कर सकता, वो अकाल पुरख का तख्त, वो परमेश्वर का तख्त श्री अमृतसर साहब श्री हरिमंदर साहब जी की धरती से धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने श्री अकाल तख्त साहब जी की सिरजना की। और ये वचन कहे कि अज तो बाद साडे सिख घोड़िया की सवारी करया करनगे, सुंदर शस्त्र धारण करया करनगे, कीमती पोशाके पाया करनगे, और राज जोग वाले सारे सिद्धांतां दी पालना मेरा सिख पंथ करेगा। ये सानू सतगुरां ने महान बख्शिशां कीतियां, ये समय की गुलामी दे हुक्मां नू तोड़न वास्ते ये दिल्ली दे तख्त नू बड़ा वड्डा चैलेंज सी कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इस जुलमी तख्त दियां जड़ां पुट्टण वास्ते उस महान श्री अकाल तख्त साहब जी की सिरजना की। और धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने तिलक जन्यो राखा प्रवता का कीनो बड़ो कलू मैं साका, साधन हेत इती दिन करी शीस दिया पर सी ना उचरी, ठीकर फोर दलीस सिर प्रपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किन्हू आन, हिंदू धर्म की रख्या लई अपने शीस की कुर्बानी दिती। और दसम पिता जी ने अपने जिगर दे टुकड़े चारे साहबजादियां की कुर्बानी, माता गुजर कौर साहब जी की शहादत, प्राणा नालों प्यारे सिखां दियां शहादतां, ए जुलमी राज दियां जड़ां पुट्टण वास्ते लासानी कुर्बानियां होईयां, और जिसका सेहरा दस गुरु साहबाना और समुचे खालसा पंथ नू कौम नू जांदा है। सो खालसा जी उन्हां परंपरावां ते पहरा दंदिया होया सिख कौम दे महान जरनैल बाबा जस्सा सिंह जी आलू वालिया ने कमर कसा किया। मैं इत्थे उन्हां दे जन्म की एक गाथा तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदा। सरदार जस्सा सिंह जी आलू वालिया दे पिता सरदार बदर सिंह माता जस कौर, इन्हां दे घर विच जिहड़ी भी संतान हुंदी उह अकाल चलाना कर जांदी। और एक दिन बड़े चिंता तुर सन, बड़े फिक्रमंद सन कि दुनिया विच मेरा नामो निशान किवें रहेगा। गुरु हरगोबिंद साहब दे बचन हन
दौलत गुजरान पुत्र निशान, स्त्री ईमान के दौलत गुजारे वास्ते, पुत्र दुनिया दे विच यादगारों स्थापित करन वास्ते और जत साडे धर्म नूं परपक रखण लई अपनी धर्म सुपत्नी दा संग और उहदे साथ उहदे सहयोग दी लोड़ है। सरदार बदर सिंह बड़े चिंता तुर वेखे तां उह समय सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया दे मामा सरदार बाज सिंह ने सरदार बदर सिंह दी चिंता नूं वेखदिआं उस वक्त एक बचन कहा, कहन लगा, सरदार बदर सिंह जे तू कलगीधर पातशाह दे खंडे बाटे दा समेत परिवार दे समेत अपनी अर्धांगनी अपनी धर्म पत्नी दे समेत अमृत छक लवे और गुरसिखी दे लड़ लग जाए ता तेरे घर विच ऐसी संतान पैदा हो सकती है जेड़ी दुनिया विच तेरे खानदान दा और तेरा नाम हमेशा वास्ते रोशन कर सकती है। सरदार बदर सिंह ने बड़ी आशा नाल, बड़े चाह नाल, बड़े उत्साह नाल अपनी धर्म समतनी दे समेत खंडे बाटे दा अमृत छकिया, गुरु की राह धारण कीती और उस तों बाद 1718 विच 3 मई नूं इस धर्मी सूरबीर जोधे दा सरदार बदर सिंह दे घर दे विच जन्म होया और 5 साल की उम्र तक अपने माता पिता की संगत, छोटी उम्र दे विच पिता दा अकाल चलाना और फिर दिल्ली विखे अपनी माता दे नाल धन माता सुंदर कौर साहिब जी की संगत, लगातार लम्मा समा दिल्ली विखे। मैं समझदा कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले लंबे समय तो साडे इतिहासक पूर्णिया नू दुनिया विच दोबारा उजागर करन लई, मैं कोई अतकथनी नहीं कि असी जिस पक्ष तो बड़े वेसले सां उस पासे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पहल कदमी करके इन्हां कौम दे जरनैलां दी और कौम दे राज भाग दी कौम दी फतेह दी याद नूं ताजी रखण वास्ते फतेह मार्च दी आरंभता कीती और इसे लाल किले उत्ते हर साल ए फतेह दिवस नूं उचेचे तौर ते मनाया जांदा और ओ कौम दा जरनैल इसे दिल्ली दी धरती ते माता सुंदर कौर जी दी शरण विच रहा और माता जी तों बाणी दियां लोरियां प्राप्त कीतियां, गुरमत दा ज्ञान प्राप्त कीता और इस धरती तो माता जी ने सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया नूं कौम दा महान विद्वान भी अकली गुरबाणी नहीं पढ़ाई, अकला गुरमत दा फलसफा नहीं पढ़ाया, अकला गुर इतिहास नहीं सुनाया। माता जी ने दूसरियां बोलियां भी, अरबी फारसी भी, उस समय की जो प्रसिद्ध भाषा सी उस दिन विच भी सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया नूं चंगे चंगे उस्ताद रख के अपने पास रख के अरबी फारसी की भाषा का ज्ञान भी करवाया और समा आया माता सुंदर कौर साहब जी ने जदों सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया वड्डे होए और वेख्या कि कौम का सेवादार पंथ की सेवा करन दे योग है तां आप जी ने सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया नूं एक श्री साहब ढाल, तीरां दा पत्था और चांदी की चोब ए पावन बख्शिशां दे करके कौम दे महान धार्मिक आगू महान जरनैल नवाब सरदार कपूर सिंह जी दे पास श्री करतारपुर साहब विखे भेजिया जो दुआबे विच है जलंधर दे नजदीक। और उस समय नवाब कपूर सिंह जी ने जदों सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया नूं वेख्या ऐसी दिव दृष्टि दे मालक सन, मस्तक वेखदिया ही अपनी गलवकड़ी विच लै के कहन लगे, सरदार जस्सा सिंह तू कौम लियो तेग चलावेंगा,
कौम लियो कार्ज करेगा, कौम लियो पूरने पावेगा कि दुनिया तेरी कुर्बानी नो तेरे पूरनिया नो सदा याद रखेगी। खालसा जी विद्वान और धार्मिक तौर पर परपक्क जीवन वेख के, क्योंकि सरदार जसा सिंह आलूवालिया जदों पंथ का दीवान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया जुड़दा अमृत वेले दुपारा लेके आसा जी की वार का कीर्तन सुनाया करते सन। मैं बेनती करा अज कौम दे विच धार्मिक पक्ष तो कौम दे विच बहुत वड्डी साडे विच कमजोरी कह लो खड़ोत कह लो और जे कह लिए असीं बहुत वड्डे पछड़ चुके हाँ। एक बेनती करदे हां कि खालसे ने 24-24 घंटे जालमां दे खिलाफ धर्म दे युद्ध लड़े, काठियां नूं अपने घर बना के रखिया और जालमां दे नाल जंगा लड़िया। हुणे सुन रहे सो कि सरदार जसा सिंह आलूवालिया दे शरीर ते 22 फट्टां दे जख्मां दे निशान सन। तवारी गुरु खालसा लिखदी है, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ओह कहिंदे 35 उन्हां दे शरीर उत्ते जख्मां दे निशान सन 35। और उन्हां ने एक बाकमाल बचन लिखिया कहिंदे सरदार जसा सिंह आलूवालिया दे शरीर उत्ते जिन्ने भी जख्म सन उन्हां दे चेहरे वाली तरफ उन्हां दे शरीर ते जख्म सन, उन्हां दी कंड वाल उन्हां दी पिठ उत्ते कोई जख्म दा निशान नहीं सी। इहदा कारण सी कि ओह सूरमा सन्मुख होके वैरियां दे सामने जूझदा रहा और वैरियां नाल मत्था लैंदा रहा। काजी नूर मुहम्मद ने लिखिया कि जदों जसा सिंह आलूवालिया मैदाने जंग विच घोड़े ते सवार होके उतरदा तां ओह पहाड़ बन के वैरियां नूं टक्कर दिया करदा पहाड़ बन के, और उहदा सामना करन वालियां दे पैर थिड़क जांदे। जदों लाहौर के इलाके विच अहमद शाह अब्दाली दे नाल टाकरा होया, वेख्या कि लखां दी फौज अहमद शाह अब्दाली दे नाल ते सिंघां दे कोले मुट्ठी भर सिंघां दी फौज है, सरदार जसा सिंह आलूवालिया ऐसी वीरता दे नाल हजारां दी फौज नूं चीरदे होए अहमद शाह अब्दाली दे कोले पहुंच जांदे है और बंगारदे है अहमद शाह अब्दाली खालसे दे दो हाथ अज मैदाने जंग विच कर देख तेनू खालसे दे हाथों का नजारा विखाइए कि रण भूमि दे विच सूरमिया नाल किवें सामने मुकाबला हुंदा। ओ सूरमे का तेज प्रताप, ओ सूरमे का बाहूबल, ओ सूरमे की कुर्बानी कह लो, ओ सूरमे की करनी कह लो। अहमद शाह अब्दाली जो हिंदुस्तान नूं अनेकां वारी लुट के लैके गया, जिस अगे हिंदुस्तान अड़ नहीं सकिया, सरदार जसा सिंह आलूवालिया दी बंगार दे अगे गिद्दड़ बन के भज के दौड़ गया, सामने खलो ना सकिया। ए साडे कौमी जरनैलां दा जज्बा, ए साडे कौमी जरनैलां दी महान दृढ़ता और खालसा दी उन्हां कोले शक्ति की सी। दसम पिता जी ने जदों पौंटा साहब दा जंग जितया उदों खालसे ने आके वधाइयां दित्तियां तां मेरे सतगुरु ने एक बचन कहे सन, भाई जीत मेरी कृपा काल केरी, रणंग जीत आए जयंग गीत गाए। महाराज कहिंदे खालसा जी ये जित साडी नहीं उस अकाल पुरख की जित है। सो खालसा भी हमेशा अकाल पुरख उत्ते विश्वास रख के अपने धार्मिक जीवन नूं और सदाचारक जीवन दियां कदरां कीमतां नूं जाना दे के भी उस जीवन की पालना करता रहा। सरदार जसा सिंह आलूवालिया वर्गा दानी, उहदे वर्गा परोपकारी, उहदे वर्गा बहादुर निरभय योधा और उहदे वर्गा सदाचारक जरनैल कौम नूं विरला ही मिलेगा। दान करन दा उहनां दा जीवन वेखो, उहनां दे लंगर विच किसे भी धर्म दा व्यक्ति लंगर छकन आया
ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਰੂਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਉਪਕਾਰ 2200 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਔਰ ਸੂਰਮਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ, 35-35 ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੰਡਿਆ ਕਰ। ਰਸਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਵੰਡਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ, ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਕਰ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੱਬਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਲਤੀਆਂ ਨੱਚ ਗਏ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ
मेरी गुजारिश है कि खालसे कोले तो वड्डिया फौजा नहीं सन, शस्त्रां दे वड्डे जखीरे नहीं सन, कोई बहुती दौलतरी खालसे कोले होया कर दी। खालसे कोले सी सिखी दा तन, खालसे कोले सी नाम बाणी दा खजाना, खालसे कोले सी गुरु दे बचना दा विश्वास, अटल अकीदा, दृढ़ भरोसा, जिसकी बदौलत खालसे ने इस जुलमी राज दियां जड़ां पुटियां और धर्म दा राज इस धरती ते स्थापित किया। 12 मिसलां बना के खालसे ने इस हिंदुस्तान विच राज दे खालसाई राज दे निशान लहराए। दिल्ली वर्गे तख्त जदों खालसा इत्थों जान लगा ना, ओ मुगल बादशाह दा जिहड़ा असली तख्त सी उस नूं पुट के लैके गया, और हरिमंदर साहब दियां परिक्रमा दे विच अज वी ओ मुगलिया सल्तनत दा तख्त लगा होया। जो सानू ए सूचना दिंदा, जो सानू आने वालियां पीढ़ियां लई प्रेरणा दिंदा, साडा मार्गदर्शन करदा कि गुरु रामदास दे चरणा चो खालसा शक्ति लैके वड्डे वड्डे जुलमी तख्तां नूं पुट के गुरु रामदास दे चरणा च लिया के रखण दी ए खालसा शक्ति रखदा, और इस तख्तां नूं प्राप्त करन दा भी खालसे दे उत्ते गुरु की कृपा दा हथ है। सो खालसा जी, आपां जिथे अपने कौमी जरनैलां दियां इन्हां यादां नूं ताजा कर रहे हैं, उत्थे आपां ये जो साडे कौम दे महान जरनैल इतिहास सिरज के गए है, आउण वालियां पीढ़ियां लई ये इतिहास प्रेरणा स्रोत बनाइए। कौम विच जज्बा पैदा होवे कि खालसे ने हमेशा राज भाग दे वारस बन के रहना और जुल्म दा मुकाबला करना, और धर्म दे विच परपक रह के खालसे ने अपना जीवन धर्म दे असूलों अनुसार बसर करना। इस करके मैं बहुता समा नहीं लेना चाहुंदा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक खास उपराला और यतन है कि जिन्होंने साडे इन्हां जरनैलां दियां शताब्दियां नूं मना करके एक बहुत वड्डी कौम दे विच जागृति पैदा कीती है। 22 तरीक नूं श्री अकाल तख्त साहिब तो नगर कीर्तन जुलूस आरंभ होया, दिल्ली तक आया, अज गुरमत समागम हो रहे हैं। साडी नवी पीढ़ी दे अंदर साडे जरनैलां दा इतिहास जदों जाएगा तां उहनां दे अंदर भी एक भावना पैदा होएगी कि असीं उहनां सूरमियां दे, उहनां शहीदां दे और सतगुरां दे दर दे सिख और उहनां दे वारस हां, और असीं भी खालसे दा राज पाग दुनिया दे कोने कोने दे विच स्थापित करके साडे प्राचीन सिंघां दे इहनां बोलां नूं एक दिन खालसा दुनिया विच जरूर साकार करेगा। दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे शीस पर बड़ी करेंगे मौज, राज करेगा खालसा आखी रहे ना खोए, ख्वार होए सा मिलेंगे बचे शरण जो होए। सो खालसा जी, आप इन्हां अकीदियां ते विश्वासां नाल अपनियां पीढ़ियां नूं आउण वाले समें विच निग्गर सेध दे सकीए, सिक्खी नूं दुनिया दे कोने कोने विच उजागर कर सकीए। दास दी इतनी हाजरी प्रवान करनी मैं अखीर ते श्री अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार सन्मान योग सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, और उसे तरह दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी डी के, जनरल सकत्तर सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा, धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन सरदार परमजीत सिंह जी राणा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जथेदार सरदार गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल, और श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल जथेबंदी के मुखी जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी, और इसे तरह दल पंथ बाबा विधि चंद साहब जी की जथेबंदी के मुखी संत बाबा अवतार सिंह जी सुर सिंह वाले,
नानकसर संप्रदाय तो संत बाबा काला सिंह जी और श्रोमणी अकाली दल वालों सरदार बलविंदर सिंह जी भूंदड़ जिन्हिया भी शख्सियत आई मैं सब का ही रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद करदा और सरदार बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया की तीसरी जन्म शताब्दी की 300 साल जन्म शताब्दी की आप संगतां नूं लख लख वधाई दिना। आओ खालसा जी, जिन्होंने अजे तक अमृत नहीं छकिया दुनिया भर विच, मेरी यह बेनती हर सिख सुनदा होया जरूर अमल करन दी कोशिश करे कि जिन्होंने अजे तक खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया वो खंडे बाटे का अमृत छको। जेड़े नशियां दा सेवन करदे नशियां दा त्याग करो। जिन्होंने केस कटाए साफ सूरत केस रखो। अज सिख परिवारों विच सिख बच्चों के केस कट्टण दी बड़ी भैड़ी वादी पई होई है कौम दे अंदर। अपने सिख बच्चों के केस असी भुल के भी नहीं कट्टणे। पूरे गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ ला के आपां अपना जीवन सफल करना, भुला चुका खिमा करनिया इतनी हाजरी प्रवान करनी। फिर मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिन्होंने तुहाडे दर्शन करवाए, वेखो अज मन गदगद होया समुचा पंथ इत्थे अज बैठा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बैठी है, निहंग सिंह जथेबंदियां बैठिया दल बैठे है, धार्मिक संस्थावां दे मुखी बैठे है। ये पंथ की नुमाइंदगी इतनी वड्डी दिल्ली कमेटी वधाई दी हकदार है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं चाहना कि सारा दल पंथ इकट्ठा है, सारिया दमदमी टकसाल अते होर सारिया संप्रदायां इकट्ठियां ने। यह इहो जिहा मौका कि बाबा जी ने हुणे इत्थों स्लाइड लैनी है ते बाबा जी ने चले जाना। आपां पंज गल ला के पूरा पंथ इकट्ठा इस वेले जगारे, पंज ला के आपां पूरा दल पंथ इकट्ठे होण दा इक बहुत जोरदार एक मिसाल कायम करिए और पूरे लाल किले की धरती से यह जकारे गूंजन। मैं चाहवांगा कि संगत पंज जकारे छड़े और इहदी गूंज दूर दूर तक पहुंचे। सत श्री अकाल। गदगद करा गजावे बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया जी दे मरणोपरांत। गदगद करा गजावे श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल दे मरणोपरांत। गदगद करा गजावे धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे मरणोपरांत। गज गज करा गजावे न्यारे जावे। गज गज करा गजावे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे